बहुत बढ़िया गाइस, तो अब वीडियो पर क्लिक कर दिया है, तो आज हम अपना पूरा फॉर्म भर कर ही रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। और बड़ा इजी प्रोसेस में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको वर्ग फोर का फॉर्म किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा फॉर्म भरना बताएंगे, किस प्रकार से आपको भरना है ये फॉर्म। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है MPESB की, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड। ऑफिशियल वेबसाइट को पर आने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इस पर क्लिक करके आप सीधी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं वो है समूह चार के अंतर्गत सहायक ग्रेड थ्री स्टेनोटाइपिस्ट और शीघ्र लेखक व अन्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। इस फॉर्म को कैसे भरना है देखिए, इसमें और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इसको भरने के लिए बड़ा ही इजी प्रोसेस है। यह फॉर्म भरने 6 मार्च से स्टार्ट हो गए थे और इसकी भरने की अंतिम तिथि 20 मार्च तक की गई है। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इससे सभी नियम आपको पता होने से आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस फॉर्म को ऑनलाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर PDF बनकर आ रहा है, इस PDF पर क्लिक करके आप इसके PDF को पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन में सामने दिखाई दे रहा है, ये देखिए PDF ओपन हो चुका है। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसमें फीस 500 रुपये की समथिंग लग रही है, जो SC OBC के हैं उनको 250 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 500 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। 60 रुपये इसमें GST चार्ज लगता है, ये इनका इंक्लूड ही रहता है। आपको टोटल 560 या 310 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आपने वैसे ही पढ़ लिया होगा। यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो इसको पूरा पढ़ लें। इस फॉर्म को भरना बड़ा है इजी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। नोटिफिकेशन तो आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है कि इसमें फीस आपकी इतनी लगनी है, 20 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाने हैं, और इसमें पूरी डिटेल्स आपकी किस पोस्ट पर कौन सी कितनी वैकेंसियाँ निकली हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। आप चाहें तो इसमें पूरा काफ़ी सारे पेज दिए हुए हैं, इसमें 228 पेज हैं, आप इसको एक एक करके चेक भी करके पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए सीधी वीडियो की ओर। तो आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है समूह चार के अंतर्गत सहायक ग्रेड थ्री स्टेनोटाइपिस्ट और शीघ्र लेखक और काफ़ी सारे पदों पर भर्ती निकली है। आपने PDF तो पढ़ ही लिया है। इसको ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर का डॉक्यूमेंट्स बन के आ रहा है, आवेदन करें हल्का सा लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ये इस फॉर्म के भरने के लिए टर्म एंड कंडीशन दी होती हैं, इस पर आपको चेकबॉक्स पर टिक लगा के आपको आगे बढ़ाने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें लिख कर आएगा प्लीज़ रीड दी इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, जब तक इसमें टिक न लग जाए तब तक इसको आपको आगे नहीं बढ़ाना है। टिक लगाते ही आपको इसमें आगे बढ़ा देना है। टिक आगे बढ़ाने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें लिखा हुआ है सामान्य पंजीकरण क्रमांक, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। आपके पास सामान्य पंजीकरण नंबर यदि है तो यहाँ पर फिल कर दीजिए, और यहाँ पर अपनी DOB फिल कर दीजिए। DOB फिल करने के बाद यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको प्लस करके यहाँ पर टोटल जोड़ दीजिए, और आगे सत्यापित कर आगे बढ़ाने पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपके पास सामान्य पंजीकरण नंबर नहीं है तो आपको पहले इस फॉर्म को भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। इसमें प्रोफाइल पंजीकरण के लिए है कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आपके पास पूर्व में पंजीकरण प्रोफाइल ID है या नहीं है। यदि है तो हाँ पर टिक कर दीजिए, यदि नहीं है तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। जैसे ही आप नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मोबाइल नंबर के लिए आगे कहेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, और OTP यहाँ पर कैप्चा फिल करके OTP प्राप्त करने पर क्लिक कर देना है।
प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए हमने ऑलरेडी ही एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रोफाइल का पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिसे बोलते हैं सामान्य पंजीकरण क्रमांक। जब आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिल जाता है तो आपको फिर से उसी पोर्टल पर वापस आ जाना है। जैसे ही आप मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से वही पोर्टल आ जाएगा। फिर आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फिर से इसी डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इस निर्देशों को टिक मार के आपको यहाँ पर आगे बढ़ा देने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए वही इंटरफेस फिर आपके सामने आ गया है। सामान्य पंजीकरण यहाँ पर भरना है, यहाँ पर DOB आपको फिल करनी है और कैप्चा भर के आगे बढ़ा देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपकी पूरी प्रोफाइल शो होगी। इस प्रोफाइल की डिटेल को आप आराम से चेक कर लीजिएगा कि आपने जो प्रोफाइल बनाई हुई है उसमें आपके कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें आ रही है, तो आप इसमें ध्यान से चेक कर लीजिए। यदि इसमें कोई आपको मिस्टेक लगती है तो आप अपनी प्रोफाइल में जाकर करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए भी आपको इसी पोर्टल के वेबसाइट पर लिंक मिल जाता है। मैं आपको वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीधे आप करेक्शन वाले ऑप्शन पर पहुंचकर अपनी प्रोफाइल में करेक्शन कर सकते हैं। जो मैंने वीडियो प्रोफाइल बनाने का बताया है उसमें आपको करेक्शन करने के भी तरीके बताए हैं, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप प्रोफाइल में करेक्शन और प्रोफाइल बनाने का दोनों तरीके से उसमें सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप इस प्रोफाइल को स्क्रॉल करेंगे और नीचे देखिए आगे बढ़ाने पर क्लिक कर देंगे। यदि ये सारी डिटेल है तो आपको आगे बढ़ा देने पर क्लिक ही कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह आगे पेज पर ले जाएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें लिखा रहेगा आपके सामने नोट जनरेट, आवेदन क्रमांक जो आपका अभी जनरेट नहीं हुआ है। इसमें आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने देखिए इसमें आपको 34 नंबर पॉइंट पर आ जाना है। इसमें देखिए लिखा है भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं या बिना वर्ग के हैं, तो आपको बिना वर्ग पर टिक कर देना है। और इसमें जितनी भी ये पॉइंट लिखे हैं इनको आपको पढ़ पढ़कर आप इसमें यदि एलिजिबल हैं तो हाँ करना है, यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ज़्यादातर तो आपको नहीं पर ही टिक लगाना है। ये सारे ऑप्शन पर नहीं का टिक लगाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको इसमें एक और 45 नंबर का पॉइंट देखा, यहाँ पर भी आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा से वही प्रोफाइल ओपन होकर आएगी। इसको आपको स्क्रॉल करना है और आप देख सकते हैं आपके सामने अब पद को अप डाउन के माध्यम से ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको ये पूरी पोस्ट आपके सामने शो होकर आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर आपके कार्यालय का नाम, आपके डिपार्टमेंट का, और आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है उस पोस्ट का, और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है आप उसको पढ़ पढ़कर यहाँ पर हाँ या नहीं पर टिक लगा सकते हैं। यदि आपने इसकी जो एलिजिबिलिटी है आपको आपने उसको पढ़ लिया है और आप उसके एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गया है। इसी प्रकार से आपको ये सारी क्वालिफिकेशन पढ़ते पढ़ते जाना है। ये देखिए इसमें सहायक ग्रेड की वैकेंसी, ये स्टेनोटाइपिस्ट, यदि आप इसमें भी आपकी एलिजिबल आप हैं तो इसमें भी आप हाँ पर टिक लगा के और इसको टिक कर देंगे। तो इसी प्रकार की जो जो क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग है, जिस जॉब के लिए, जिस पोस्ट के लिए, तो आप उसके लिए यहाँ पर हाँ टिक करके उसको आराम से पढ़ लें। यदि आप उसके एलिजिबल हैं तो यहाँ पर हाँ टिक करके, यहाँ पर फाइनली टिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चढ़ती जा रही हैं। और इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, ये देखिए तीनों आ चुकी हैं। पद को अप डाउन के माध्यम से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए आप चाहें तो इस पर सेलेक्ट करके आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको एरो के निशान बन के आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो इसको ऊपर ले जाऊंगा टाइपिस्ट वाली को। यदि आप इस ग्वालियर स्टेनो टाइपिस्ट है, यदि आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए और इसको ऊपर ले जाइए। तो ये सेकेंड नंबर पे आ चुकी है। तो इन एरो का यही यूज़ है, इसको ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग आपको जिस प्रकार से लगाना है उस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप सारी जॉब्स का चयन कर लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आपको स्क्रॉल करते जाना है और सबसे नीचे पहुंचना है। जैसे ही आप सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा 46 नंबर पे मध्य प्रदेश राज्य के
रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं, पंजीकरण होना अनिवार्य है। आपका यदि मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आपने पंजीकरण कराया है तो उसका पंजीयन क्रमांक यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद वो किस तारीख का उस पंजीकरण की दिनांक है उस डेट को यहाँ पर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर उसका जिस जिले से आपने उस पंजीकरण को किया है उसका यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने टीकमगढ़ से किया है तो मैं यहाँ पर टीकमगढ़ को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक कर देना है, आपने पंजीकरण किया है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद ये डिटेल्स फिल करके आपको इसमें दिख रहा है 46 नंबर पर क्या आप इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं, यदि आप रखते हैं तो इस पर हाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये सारा आपका ऑलरेडी फिल होकर ही आएगा, आपकी एज, आपकी ये सारी चीज़ें, आधार कार्ड नंबर वगैरह फिल होकर आएंगी। इसके बाद फाइनली आपको सेंटर चूज करना है, जिसमें आपको 4 सेंटर देखने को मिलते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर काफ़ी सारे लिख के आ रहे हैं, तो आपको अपनी इच्छा अनुसार चारों जो जो आपको जहाँ जहाँ जाना हो तो वहाँ आप इन सेंटर को चूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको फाइनली इस पर टिक करके आपको आगे बढ़ा देने पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें आपका आवेदन क्रमांक जनरेट हो चुका है। यहाँ इस आवेदन क्रमांक को आप ध्यानपूर्वक इसका नोट कर लें और इसका प्रिंट भी निकाल लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस पर लिखा हुआ है भुगतान नहीं, अभी इस फॉर्म का भुगतान नहीं किया गया है, अभी आपका फॉर्म नहीं भरा हुआ है। इसमें आप चार्ज दे सकते हैं, इसमें 500 रुपये आपका शुल्क है और 60 रुपये GST शुल्क सहित है। तो 560 रुपये टोटल पे करने हैं। पे करने के लिए सबसे नीचे आएंगे, आपने जो फॉर्म भरा है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी रहेगी, आप इसको चेक कर लें। यदि आपका ये सब सही है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है प्रिंट आउट प्राप्त करने के पश्चात ही शुल्क भुगतान की कार्यवाही करें, यानी कि आपको इसका प्रिंटआउट निकाल लेना है। प्रिंटआउट निकालने के बाद ही आप इसका पेमेंट करें, क्योंकि भविष्य में आपको इसके आवेदन क्रमांक की जरूरत पड़ सकती है। तो हम इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे यह आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। इसके बाद आपको ये देखिए आपके सामने ये पेमेंट गेटवे का इंटरफेस ओपन हो गया है। इसमें आपको फीस पे करने के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी के थ्रू आप किसी भी एक को चुनकर आप अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको इसमें प्रिंट आउट फाइनली आपको मिल जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा भुगतान है, और इस प्रिंट आउट को आप फाइनली प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट भर लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा ही पसंद आया है तो प्लीज़ भाई बहन जो भी हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।